इनको बहुत पहले मैंने कहा था कि अल्लाह ने आपके वो जज्बा रखा है तो अपने जज्बे को सही जगह लगा देना, इंशाल्लाह नस्लें आ जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये नौजवान हमारे साहब को यहाँ पकड़ लाए, ये आपकी बहुत बगल मिलने की बात है। अल्लाह ने इनको मसला दिया है, हिम्मत दी है और उम्मत की खैरखाही, समाज की खैरखाही अदा होता है। हमारे जितने हुए इतना एक्टिव है कि हर वक्त किसी भी मौके पर किसी भी वक्त पर समाज का कोई काम होता है तो वो हाजिरी दे देते हैं। माशाल्लाह हारी साहब को मैंने अभी कहा कि अल्लाह ने आपको ये एक ऐसा चमन अदा किया है कि यहाँ सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, लेकिन अभी यहाँ गुलाब ही गुलाब नजर आ रहे हैं। अल्लाह आपसे बहुत काम लेगा और इस सरजमीन पर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक से काफी से बुरा लड़की और लड़कियां इंशाल्लाह पैदा होगा, पर आपके यहाँ से परमय रब्बानीन पैदा होगा जो उम्मत को साथ में लेकर चलने वाले होंगे, उम्मत के फिक्रों को उठना और बिछोना बनाने वाले होंगे। और हारी साहब की मेहनत से मैं वाकिफ हूँ, हम अगर कोई हमारे लिए फिक्र करे तो हम उसकी फिक्र की कदरदारी करें। हमारे यहाँ कदरदारी जैसा कुछ है नहीं, हमारे यहाँ आदमी को पता नहीं किस तराजू के अंदर तोला जाता है, बात समझ में नहीं आती। हर वो आदमी जो उम्मत के लिए तकने वाला हो वो जमाने का मुजद्दिद होता है और वो जमाने का कुतुब वली होता है कि जिसने अपने जान माल और वक्त को कुर्बान करके उम्मत की फिक्र को ओढ़ना बिछोना बना दिया है। इसलिए समझदार हैं आप, माशाल्लाह आपके यहाँ नौजवान भी ऐसे हैं जो थक सकते हैं, तो जब भी मदरसे को कोई जरूरत पेश आए तो हम हर मौके पर हाजिरी देंगे। इंशाल्लाह आपकी हाजिरी से जिनमें भी हिम्मत रहेगी और ये भी ज्यादा से ज्यादा तरक्की की फिक्र करेंगे। देखो अभी कितने बच्चे हैं, अब अल्लाह ताला आपके मदरसे को एक ऐसा नमूना बना देगा कि और इलाकों से भी आपकी तालीम को देखकर यहाँ बच्चे आएंगे। नेक काम हर एक को मौका नहीं मिलता, अल्लाह ताला अपने बंदों में से कुछ लोगों को चुन करके वो मौका देता है, तो हम गनीमत समझ करके वो मौका दे पाए और उस मौके को गनीमत समझ करके हम वो काम करें। करके हमारे साथ से जुड़ करके जो भी हम फिक्र करें उसकी कदरदानी करें मोहब्बत के साथ साथ। माशाल्लाह हमारे साथ है तो ये सलाहियत है कि सबको साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, खाली दर्शकों को नहीं पूरे महल ले लें, मर्द औरतें जवान बेटे सबको साथ में लेकर चलेंगे तो आप भी इनके फिक्रों में जुड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है कि पूरा मोहल्ला हाजिरी दे रहे, बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ के लोगों के दिलों में नरमी है, बहुत नरमी है, खाली थोड़ी सी रहबरी की जरूरत होती है, बाकी बेचारे पूरी रहबरी मिले ना तो ऐसा काम पेश करें कि बड़े शहरों के अंदर कोई काम पेश नहीं कर सकते, ऐसी सलाहियत है। और अल्लाह ताला आपकी सलाहियत को कबूल करेगा और इंशाल्लाह हमारे इस मदरसे को अल्लाह ताला पूरे समाज के अंदर एक बेहतरीन नमूना बनाएगा कि यहाँ से निकलने वाला जो बच्चा होगा समाज में एक नमूना होगा, यहाँ से निकलने वाली बच्ची समाज के अंदर नमूना होगी और लोग आकर पूछेंगे कि ये लोग कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं, कैसे मेहनत करते हैं और बच्चों की पिरौनी कैसे करते हैं, यहाँ आकर लोग पूछेंगे। हम तो इस तरीके से मदरसे को पावरफुल बना रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे असातिज़ा स्टाफ भी मेहनत करेंगे, हारी साहब की मेहनत है, आप लोग भी इनकी मेहनत में जुड़े हैं। अल्लाह ताला हमारा आज का जुड़ना फरमाए और दुनिया और आखिरत के अंदर हमारी निजात का जरिया बनाए।